तो गाइस ये धीरे धीरे जा रहा है रिधा। पहले जो छोटा छोटा था, मतलब हरा हरा कलर के था, अभी पीले कलर होने लगा। मन कर डालिए मेरी उंगली की तरफ, ये देख रहे हैं कुछ सफेद कलर के, व्हाइट वाला। ये जो सादा कलर का आप लोग देख रहे हैं, यही धागा है। तो देखिए, तो हेलो गाइस, मैं नारायण, स्वागत करता हूँ मेरा एक और नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, एक्चुअली जानकारी ब्लॉग में। देखिए ऐसा वाला वीडियो शायद आप लोग ने यूट्यूब में देखा होगा, जो धागा एरी रहेगा जिसका कीमत मार्केट में बहुत महंगा है। धागा कैसे बनती है, किससे शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, फुल प्रोसेस में आप लोग को दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए इसको जानकारी मिलेगा आप लोग को। तो जो मेरे बीबी है वो फिलहाल पाल रहा है मेरे माता जी से मिलके, वो एरी पोलू, एरी मतलब जिसमें कीड़े है वो भी दिखाएंगे। अभी मेरा बेटी भी आ गया, ये देखिए। सो आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा। डे 15, सॉरी मैं डे 1 का दिखा नहीं पाया। एक्चुअली ये जो कीड़े है, इस कीड़े से बनेगा एरी धागा। तो ये कीड़े आए कहाँ से? एक्चुअली ये कीड़े एक तितली ने अंडा दे के बच्चा पैदा करके कीड़े बनाए। वो तितली कहाँ से आता है, वीडियो को लास्ट तक देखे जरूर पता। तो गाइस ये जो पत्ता देख रहे हैं, फिलहाल अब पत्ता तोड़ने हैं, क्योंकि यही पत्ता खा के वो कीड़ा बड़ा होंगे। तो जो मैं आप लोग को दिखाया था वही कीड़ा बड़ा होता है ये पत्ता खा के। तो देखिए इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये पालना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मतलब इसका जो कीमत है उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक काम में मेहनत करना पड़ता है। तो देखिए यह मैं पत्ता तोड़ रहा हूँ। तो फिलहाल तो गाइस ऐसे ही हम लोग का मतलब कुछ कोशिश। तो गाइस देखिए अभी फिलहाल ये 32 डेज हो गया अभी तक। तो देखिए पहले छोटा छोटा दिखता था, अभी दूर से ऐसा दिखता है। तो देखिए ये जो है अभी पक गया है, ये जो है अभी पक गया। ये देखिए पहले जो छोटा छोटा था, मतलब हरा हरा कलर के था, अभी पीले कलर होने लगा। मतलब ये पक गया, ठीक है। थोड़े दिन बाद क्या होगा, इसी से धागा निकलेगा। कैसे निकलेगा वो फुल प्रोसेस दिखाऊंगा। तो देखिए ये फुल पक गया है, यहाँ पे रखा हुआ है, देख लीजिए ये फुल पक गया है। तो ये पकने के बाद इसको अलग करके वहां रखा जाता है, ताकि वहां से और कुछ अलग है इसके जो अंदर से एक निकलेगा कि वो लोटा, ऐसा लोटा बोलता है उसको, तो वो भी दिखाएंगे धीरे धीरे, वो निकलेगा। तो कैसे निकलता है, क्या होता है, फुल प्रोसेस दिखाऊंगा। तो आप तक भी आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, कुछ जानकारी मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे खरगोश हमला है, जो पाला है खरगोश है, ये थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी जो मैं मेन बात बताने वाला हूँ वो कुछ अलग है। तो मैं जैसे कि आप लोग को बताया था कि एरी धागा कैसे बनते है, तो देखिए फिलहाल ये जो कीड़े है ये पक्ष का है। अभी देखिए इसको यहाँ से पकने की बात, तो ये देखिए इसमें रखा जाता है, ये देख रहा है, ये तो देख लीजिए, इसको यहाँ रखा जाता है ताकि ये यहाँ पे कुछ धागे बनाए। धागे कैसे बनाता है वो भी मैं दिखाता हूँ। ये तो अंधेरा हो चुका है, अभी मैं कैसे दिखाता लग। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोग को फुल प्रोसेस दिखाने वाला है, एक्चुअली जो धागा बनता है तो धागा कैसे बनती है। तो फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं, जो पक गया है, मतलब जो जिस कीड़े पक चुका है उसको यहाँ पर रखा हूँ, यहाँ से ही धागे बनना शुरू होगा। जैसे कि आप लोग, मैं अभी कैसे दिखाऊं, थोड़ा अंधेरा है, शायद यहाँ नजर डालिए मेरी उंगली की तरफ, ये देख रहे हैं कुछ सफेद कलर के, व्हाइट वाला। ये जो सादा कलर का आप लोग देख रहे हैं, यही धागा है। तो देखिए अभी ये कीड़े ऐसा एक मतलब घर बना के उसके अंदर रहेंगे, तो जो बाहर का हिस्सा उसी से धागा बनेगा। तो ऐसे रहेंगे, अभी ये भी देखिए, ये अभी जो घूम रहा है ये पक गया है, तो ये भी कुछ ऐसा ही मतलब पूरा एक एक किराने एक एक घर बना के यहाँ रहेगा। रहने के बाद वो लोग उसी जो ये जो सफेद वाला देख रहा है आप लोग, ये जो देख रहा है, इससे बनेगा धागा। ये धागा कैसे निकलता है वो भी मैं बताऊंगा, एक अलग वीडियो बनाया, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसलिए मैंने ये अभी पूरा 60 डे हो गया, तो इसको पालते हैं शायद और 10-15 दिन चाहिए, तो फुल प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं तब तक के लिए एक दूसरा वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइस ये जो आप लोग ये बोरी देख रहे हैं, ये प्लास्टिक है, इसको जो बांध के रखा है,
इसके अंदर भी ये जो आप लोग देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ, तो ये जो सादा कलर का इसके अंदर में है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर ये जो सारा सारा देख रहा है, इसी से बनता है एरी धागा और इसी से वो तितली भी बनता है। अगर इसको उबाला जाए तो वो एरी धागा बनता है, अगर नहीं उबालो तो ये जीवित रहता है, तो जीवित रह के तितली बन जाता है, फिर वो तितली अंडा देता है, फिर उसी से वो जो कीड़े देख रहा है पहले मैं दिखाया था वो कीड़ा बनता है, फिर वो कीड़े से फिर ऐसा बन जाता है, मतलब यही कुछ प्रोसेस। दो तीन चार पाँच और यहाँ भी रखा हुआ है जो पकने की वजह से रखा जाता। तो गैस आप लोगों में से बहुत से लोग को ये पता नहीं होगा कि एरी धागा किसे कहती है। एक्चुअली एरी धागा बनती है सिर्फ और सिर्फ आसाम में। तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि एरी धागा किसे कहते हैं, एरी सादर जिससे कपड़ा बनाता है, तो एरी सादर का कीमत कितना आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग को शायद जानकारी मिले होगी, क्योंकि बहुत लोग को मालूम नहीं कि एरी धागा कैसे बनती है, ये खुद प्रोसेस खुद अपना मतलब घर घर पर कैसे हम लोग बनाए। सो जिसका कीमत अभी लगभग मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए तब तक के लिए भाई, मिलता नेक्स्ट वीडियो में।